बाबर आजम ने LPL में शतक जड़कर रचा इतिहास। पाकिस्तान के कप्तान और बल्लेबाज बाबर आजम इन दिनों लंका प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। वो LPL में कोलंबो स्ट्राइकर्स की फ्रेंचाइजी का हिस्सा है। बाबर की दमदार शतकीय पारी के दम पर कोलंबो ने सोमवार को गोल टाइटंस के खिलाफ 7 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। कोलंबो को 189 रन का टारगेट मिला था। बाबर 59 गेंदों का सामना करने के बाद 104 रन बनाए। उन्होंने 8 चौके और 5 छक्के लगाए। बाबर का ये 10वां T20 शतक था और उन्होंने एक बड़ा इतिहास रच दिया है। उन्होंने यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल के एक बेहद खास क्लब में एंट्री कर ली है। बाबर ने वो कारनामा अंजाम दिया है जो विराट कोहली भी नहीं कर सके है। बाबर T20 क्रिकेट में 10 सेंचुरी का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उनके अलावा ये कमाल सिर्फ वेस्टइंडीज के गेल ने किया है। 43 वर्षीय गेल ने T20 क्रिकेट में कुल 22 सेंचुरी ठोकी है। बाबर आजम के वनडे करियर के बारे में बताए तो उनका ODI क्रिकेट में डेब्यू जिम्बाब्वे के खिलाफ 21 मई 2015 को हुआ था। उस मैच में बाबर आजम ने 60 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 54 रन बनाए थे। बाबर आजम ने सितंबर 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI के 3 मैचों के सीरीज में बैक टू बैक 3 शतक बनाए और उस ODI मैचों की सीरीज में बाबर आजम ने 350 से ज्यादा रन बनाए थे। बाबर आजम ने 2017 में पहली बार ODI क्रिकेट में टॉप 10 बल्लेबाजों की रैंकिंग में प्रवेश किया था। क्रिकेट की टॉप खबर हर रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।